फाइल की आखिरी दो कॉपीज जला दी, अब बचा ओरिजिनल ब्लू फाइल, वो गायब तो समझो खेल। खटखटा के नहीं आ सकते क्या? ये लो ले पापा, इसे हेड ऑफिस डिलीवर करके आओ। हाँ हाँ, पैसे हैं इसमें, फ्लड रिलीफ के लिए जो हमारी ब्रांच ने जमा किए थे, इसे संभाल के ले जाना, समझे? भंडारी साहब, वो मैंने बहुत बार बोला था मेरी पगार बढ़ाने के लिए। पहले काम ठीक से करो, बाद में तनख्वाह बढ़ाने की बात करना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। और सुनो, 3 बजे से पहले आ जाना इधर। नामदेव, ये फाइलिंग की है मेरे कैबिनेट की, सारे के सारे फाइल्स गलत ऑर्डर में। ये देखो, ये देखो, ये देखो। पढ़ने को आता तो चपरासी क्यों बनता? अरे तुम तो चपरासी बनने के भी काबिल नहीं हो, कामचोर कहीं के इडियट। कम ऑन खान साहब, क्यों हमेशा इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं आप? छोड़ी खान सर, मैं हूं ना आप लोगों के काम करने के लिए, आप पानी पीजिए। तू बस इन सबकी चमचागिरी करते रहे। अलकट, देखा देखा रहो नामदेव। सच्ची मैं बोली थी ना तेरे को, वो तेरे को पक्का प्रपोज करेगा। अच्छा रोशनी, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। हाँ नामदेव, हेड ऑफिस जा रहे हो? आपके लिए तो मैं पाताल तक जाएंगा सिल्विया मैडम। देखो ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, नहीं तो पाताल छोड़ो सीधे नौकरी से जाओगे। ये लो ये ब्लू फाइल, हेड ऑफिस लेकर जाना। और हाँ, वो नीचे वाली दुकान पर टाइम पास मत करना। अब जाओ। जी सर। शिनॉय सर, मैंने वो फाइल नामदेव को दे दी। जी वो ब्लू फाइल अभी अभी निकला है। ओके। मिस लिंडा सिम्पसन, अब तुम पूरी तरह से मेरे गिरफ्त में हो। चेक एंड मेट। ऑनलाइन चेस मिसेस बिलिमोरिया, ऑनलाइन चेस। आई एम श्योर ये मेरा काम वाली बाई है सुनंदा। नमस्ते साहब। चोट कैसे लगी इनको? इसका पति दारू पी के इसको बहुत मारता है। ओह, सेक्शन 354। इन्हें मेरे पास नहीं, पुलिस के पास जाना चाहिए, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। नहीं साहब, पहले मेरा मर्द ऐसा नहीं था, पर जब से उसको चोरी का गलत इंजाम लगाकर उसको नौकरी से निकाला गया है, उसका दिमाग आउट हो गया है साहब। चोरी का गलत इल्जाम, कितने की चोरी हुई? 4,900। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा केस है केडी, पर वो नालायक अपना सारा भड़ास इस बेचारी पर निकालता है, और ऊपर से इन लोग का घर का हालत खराब। अगर नामदेव को अपना जॉब वापस मिल जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज केडी, इस बेचारे की मदद करो ना।
ओके मिसेस बिलमोरिया, आपका पता लिखवाइए। तुम क्या क्रेडिट कार्ड बेचने को आया? नहीं, मेरा नाम केडी पाठक है, लॉयर हूं। तुम्हारा केस लड़ने आया हूं। ओ बा, चोर के बारे में क्या बता सकते हो तुम मुझे? सब चोर है, वो बैंक वाले, वो भंडारी चोर है, वो खान चोर है, वो शहनाज चोर है, और मुझे तो तुम भी चोर नजर आते हैं। नजर किधर आ रहे? ए चोर, नाम दियो। सॉरी, आई थिंक जरूरत थी। ये सब मैं मानता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं है सब, लेकिन मैं दिल का बुरा आदमी नहीं है सब। मेरे मन में कोई खोट नहीं है सब। आई शपथ, वो चोरी मैंने नहीं की। आप चाहे तो उस भिखारी को पूछ सकते हैं साहब, उससे वो चोर टकराया था साहब। और बैंक वाले बोलते हैं पैसा मैंने चुराया, मुझे नौकरी से हकाल दिया। मन तो करता है एक पत्थर लेके ना अक्का का अक्का बैंक तोड़ दो साहब। नामदेव, नामदेव, बैंक को बाद में तोड़ना, पहले ये जो शराब पीने की आदत है तुम्हारी, इसे तोड़ दो, फायदे में रहोगे। तुम चिंता मत करना, मैं इसका केस लड़ूंगा, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के विरुद्ध केस करूंगा। सबसे पहले वो भिखारी जिसकी ये बात कर रहा है उससे बात करनी पड़ेगी। हो साहब, लेकिन एक समस्या है, वो भिखारी अंधा है। दो टके का प्यून नाम दियो, मानहानि के लिए हमें कोर्ट में घसीट रहा है और उसका केस लड़ रहे हैं मिस्टर केडी पाठक, जानते? और ऊपर से जीटा फार्मा के केस को लेकर ऑडिटर्स ने हमारे नाक में दम कर दिया है। भंडारी, ढूंढो उन ब्लू फाइल की कॉपीज को, वरना हम सब गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस किसी खूंखार कत्ल या गहरी साजिश जितना सनसनीखेज हो ना हो, पर उतना ही गंभीर है। किसी और के लिए हो ना हो, उस गरीब के लिए जरूर है जिसके पास अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं बचा। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने ही मुलाजिम की इज्जत को जाली चेक की तरह बाउंस कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो गरीब बैंकक्रप्ट हो जाएगा। Your Honor, 14 नवंबर को इंडियन कोऑपरेटिव बैंक ने मेरे मुवक्किल श्री नामदेव सूर्यदेव जाधव को बिना नोटिस, बिना सैलरी, बिना पेंशन के दरख्वास्त कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि नामदेव ने 4,900 रुपए की चोरी की, जबकि ये चोरी किसी और ने की है और मेरे पास इस वारदात का चश्मदीद गवाह है भिखारी गंशन। आपकी इजाजत चाहता हूं उसे कटघरे में बुलाने का। भिखारी श्री घनसुनाथ हाजिर हो। सलाम माई बाप। ये अदालत है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है।
मिस्टर घनशुनाथ, 14 नवंबर की दोपहर को ठीक 1:30 बजे एक चोर नामदेव के हाथों से बैग चुराकर भागा, तुमसे टकराया, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, क्या ऐसा ही है? कौन सी फिल्म का सीन है साहब ये? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे से कोई नहीं टकराया। अरे नहीं नहीं, अपुन तो अकेला ही था वहां पर। झूठ बोलता है। ऑर्डर ऑर्डर। I'm sorry your honor। घनशुनाथ, कल जब हमारी बात हुई थी तब तुमने साफ साफ कहा था कि वो चोर तुमसे टकराया। I object your honor। केडी जबरदस्ती अपने विटनेस के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। सस्टेन्ड। सॉरी योर ऑनर। गंजू, शायद ये नोट तुम्हारा इरादा बदल दे। ये कानून की तोहीन है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, केडी खुलेआम अपने ही गवाह को रिश्वत दे रहे हैं। केडी, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। जज साहब, टेंशन मत लीजिए, ये 500 का नोट छोड़िए, ये साहब अगर 1000 का भी नोट दिखाए ना तो अपन सच का साथ नहीं छोड़ेगा। कितने नेक इंसान हो तुम घनशुनाथ, रियली। वैसे ये 500 का नोट है, ये तुमने कैसे देखा? अपने मन के आंखों से। माफ करना माई बाप, गलती हो गई, माना कि अपन आंख से देख सकता है, लेकिन मां कसम उस दिन किसी भी चोर को नहीं देखा। ये आदमी झूठ बोलता है साहब, ये आदमी झूठ बोलता है। ए हलकट। ऑर्डर ऑर्डर। बस केडी, यही है आपके देश के सबसे बाइज़त नेशनलाइज्ड बैंक के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस की हिलती डुलती बुनियाद? एक भिखारी जो अंधा है पर देख सकता है, और एक चपरासी जो झूठ बोलता है। और कोई गवाह है तुम्हारे पास? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नो योर ऑनर। तो फिर तुम्हारी तरफ से कोई केस नहीं बनता, मैं इसे यहीं बंद कर रहा हूं। Your Honor, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि ये चोरी नामदेव ने नहीं की, वो बेगुनाह है। बेगुनाह? केस बंद मत कीजिए Your Honor, इनकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं ताकि ये केस once and for all बंद हो जाए। नामदेव सूर्यदेव जाधव, मैं तुमसे जो भी पूछूंगी उसका जवाब बस हाँ या ना में देना। कर सकोगे या मुश्किल है? हो, मतलब हाँ। गुड। क्या ये सच है कि तुम्हें 2 बार वार्निंग मिल चुकी है शराब पीकर ड्यूटी पर आने के लिए? हाँ। 8 बार तुम्हारी कंप्लेन एचआरडी से की गई अपने सीनियर से बदतमीजी करने के लिए। हाँ। 2 महीने पहले तुमने अपने सह चपरासी मिश्रा पर जूता फेंका ऑफिस पैंट्री में। हाँ। 3 बार तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की अर्जी को नामंजूर किया गया। हाँ। 13 अक्टूबर को आपने मिस सिल्विया का बॉल पेन चुराया और आप पकड़े गए। हाँ। 15 अक्टूबर को तुमने 2 किलो शक्कर ऑफिस की पैंट्री से चुराया और पकड़े गए। जी हाँ। 14 नवंबर को तुमने बैंक के फ्लड रिलीफ के 4,900 रुपए चुराए। जी हाँ। नहीं, अब कहने सुनने को और कुछ बाकी रह गया है? यह आदमी बेईमान और गैर जिम्मेदार है, चोरी करना इसकी फितरत में है। इसने एनवेलप में वो पैसे देखे और ललचा गया और चोरी की ये मनगढ़ंत कहानी रच दी। चोरी हुई है योर ऑनर, जिसका चश्मदीद गवाह भिखारी घनशुनाथ था, लेकिन अदालत में उसने अपना बयान बदल दिया। योर ऑनर, चोरी के समय चोर का दिया हुआ जख्म अब भी नामदेव के सर पे है। जख्म खुद को भी दिया जा सकता है केडी, ऐसे 55 झूठे केसेस मैं बयान कर सकती हूँ। अगर कुछ साबित करना ही है तो किसी दूसरे गवाह को लाओ
या फिर उस चोर को बुलाओ और उसे कबूल करवाओ कि नामदेव का इससे कोई वास्ता नहीं। Can you do that? Yes, I can do that, Miss Maya Fadnis, and I will. लेकिन Your Honor, ऐसा करने के लिए मुझे समय चाहिए। दो दिन। Your Honor, इतने बड़े शहर में, इतने भरे शहर में, एक चोर को ढूंढना, वो भी दो दिन में, It's impossible, Your Honor. सिर्फ दो दिन। What is urgent? क्या करियर रिकॉर्ड है तुम्हारा? और कोई चोरी की हो तो बता दो, प्लीज। इससे पहले कि किसी और से पता चले। हो, एक बार मैंने खान सर का लाइटर चुराया था। पर उसका बारे में आप टेंशन मत लो साहब, वो किसी को नहीं पता है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सी मिसेस बिलगोरिया, मेरा बेगुनाह मुवक्किल। अगर मैं बैंक मैनेजर होता तो बहुत पहले तुम्हें नौकरी से निकाल चुका होता। ऐसा मत बोलो साहब, देवा शपथ, मेरे आई की शपथ, वो बड़ा चोरी मैंने नहीं किया है साहब, मैं सच्ची बोलता है साहब। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कंशु भिखारी ने अदालत में झूठ क्यों बोला? हाय कंशु। काहे को मेरे धंधे का वाट लगाते हो साहब? अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी तुम्हें ऐसे ही कुछ कहने वाला था। अब देखो ना, अदालत में तुम्हारे झूठी गवाही के कारण मेरा काम कितना मुश्किल हो गया। तो खैर, ये सारी बातें जाने दो, ये बताओ कि सच बोलने का कितना पैसा लोगे? नहीं नहीं, जितना झूठ बोलने का मिला, वादा करता हूँ उससे ज़्यादा दूंगा। बोलो। पन साहब, वो आखिरी मौका है गंजू, चलो नेवर माइंड, पुलिस को सच बता देना। हाँ साहब, एक आदमी था बुरखा पहनकर, लंबा सा। अच्छा, आदमी था बुरखा पहने, आदमी था, तो तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी था? अपुन अंधा थोड़ी है साहब। हाँ ये बात तो है, नजर बहुत तेज है अपुन का। लंबा सा, बूट पहनकर, भारी सी आवाज, वही आदमी कोर्ट हाजिर से एक दिन पहले अपुन के पास आया। वही बुरखा पहनकर, अरे ये 5,000 का बंडल दिया बोलने को कि हमने उसे देखा ही नहीं। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का लेबल है इस पर। तो इस बुरखे वाले आदमी के बारे में और कुछ? सर, उसका दाहिना हाथ में एक चील था। चील यहाँ पर? चील बैठा हुआ था सर? नहीं सर, वो चित्र था। चित्र था, चील का चित्र, टैटू। हाँ। कौन है? अंधे हो क्या? अब गंशू, यही सारी बातें तुम्हें अदालत में बोलनी पड़ेगी। सब, लेकिन वो आपने बोला था ना हमको कि क्या? अगर हमने सच बोला तो आप इससे ज्यादा पैसा दोगे, आपने बोला था ना? हाँ, मैं अपने वादे पे अटल रहूंगा गंशू। उस आदमी ने तुम्हें झूठ बोलने के 5,000 रुपए दिए, ये रहे 5,000, और 5,001 शगुन के तौर पे। और चिंता मत करना, अगर तुम पर केस दर्ज हुआ अदालत में झूठ बोलने के इल्जाम में, तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय। लेकिन साहब, वो मेरी बीबी, वो मेरे बच्चे। 4,900 रुपए की चोरी के लिए कोई 5,000 रुपए क्यों देगा? एकदम फूल होएगा केडी, या तो फिर बहुत ही चालाक। अगर उसने ऐसा किया है, इसका मतलब यह हुआ कि उसने पैसों के लिए चोरी नहीं की, किसी और चीज के लिए। तुम जरा सोचो, उस समय तुम्हारे बैग में पैसों के अलावा और क्या था? भंडारी साहब ने पैसे दिए और फिर ये लो भैया। मैडम, ये ब्लू फाइल हेड ऑफिस लेकर जा रहा। हाँ, ब्लू फाइल।
को तो कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? ढूंढो ढूंढो फिर। यस सर। क्या कर रहे हो तुम मिश्रा वहां वो ड्रॉर में? हाँ देखो देखो जल्दी। मिस्टर सिन्हा आप जानते हैं बैंक की ब्लू फाइल में करोड़ों की डीलिंग्स है और आपके पास उसकी एक कॉपी तक नहीं। देखिए अब हमें क्या मालूम था कि वो ब्लू फाइल चोरी हो जाएगी और फिर उसकी कॉपी। आप यहाँ क्या करते? हेलो मिस्टर सिन्हा, मैं केडी केडी पाठक। देखिए प्लीज लीव द ऑफिस। इस ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं और फिर यहाँ पर आप आ गए। आपके हाथ पे बैंडेज कैसा है? मिस्टर खान प्लीज इन्हें जाने के लिए कहिए। नहीं नहीं मिस्टर खान डोंट बॉदर, मैं खुद चला जाऊंगा। आई एम सो सॉरी मिस्टर खान। हेलो सॉरी मिस्टर राव सर। राव सॉरी। हाँ आई एम सो सॉरी नेवर माइंड सॉरी। हाय हाय। ये बड़ी भगदड़ मची हुई है अंदर, ब्लू फाइल मिसिंग है। हाँ वो ब्लू फाइल तो कब का चोरी हो गया? वो तो उसकी कॉपीज मिसिंग है, हम वही ढूंढ रहे हैं। हाँ वही जो नामदेव के बैग से चोरी हुआ था उस दिन। आपको कैसे पता? नहीं नहीं मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग। ये अरे वाह नाइस ब्रेसलेट, कैन आई सी? डायमंड्स, इसके पीछे भी डायमंड लगे? नहीं। हाँ नहीं है। ये कैमरा चलता है? नहीं मतलब 24 आवर्स रिकॉर्ड करता है ना, लोग आते जाते हैं आपको, है ना? तो इतना क्यों परेशान है? क्या क्या था उस ब्लू फाइल में? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सिर्फ रिसेप्शनिस्ट हूँ ना। मिस्टर भंडारी। हाँ? आप इनको बताइए। हाँ मिस्टर भंडारी जी। अब मिस्टर भंडारी वो ब्लू फाइल वो नेवर माइंड बाय। प्लीज डिसमिस दिस केस, कोई चोरी नहीं हुई थी। नामदेव झूठ बोल रहा है योर ऑनर, मुझे और भी बड़े केसेस लड़ने हैं। क्यों ये केस बड़ा नहीं है आपके लिए? माफ कीजिए मिस्टर केडी, पर 4,900 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं। 4,900 नहीं मिस फर्नांडिस, लगता है इस बार आपने अपना होमवर्क नहीं किया। योर ऑनर चोरी पूरे 30 करोड़ रुपए की हुई है। 30 crores। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अचानक इस केस को सनसनीखेज करने के लिए नया ही रंग दिया जा रहा है। ओवररूल। क्या मतलब है तुम्हारा केडी? 30 करोड़ की चोरी हुई है बैंक में? यस योर ऑनर, और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के डेप्यूटी मैनेजर मिस्टर भंडारी को बुलाना चाहता हूं। इजाजत। हाउ आर यू मिस्टर भंडारी? गुड सर। ये टाई आपने जरा ढीली छोड़ी हुई है। सॉरी। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, गर्मी लग रही होगी, आदत नहीं ना खटखरे में खड़े रहने की। डेप्यूटी मैनेजर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक। तो मिस्टर भंडारी ये बताइए अदालत को कि 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ आपके बैंक से, ये हुआ कैसे? जी पिछले साल हमारे बैंक ने एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी जीटा फार्मा में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ 30 करोड़ रुपए। पर 3 दिन पहले पता चला कि कंपनी जाली थी और सारा पैसा लेकर भाग गई बिना किसी ट्रेस के। सर उस कंपनी तक पहुंचने का एक ही सुराग था, एक ब्लू फाइल जिसमें उस कंपनी के सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फोन और ऑफिस पतों की लिस्ट थी। अफसोस है सर कि वो 14 नवंबर को मिस्टर सिन्हा हमारे मैनेजर, उन्होंने वो फाइल नामदेव को हेड ऑफिस ले जाने के लिए दी थी। और समझ गया मैं, वो पैसों के साथ में ब्लू फाइल भी चोरी हो गई। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। लेकिन मिस्टर भंडारी अक्सर
ऐसी जो फाइल्स होती है, अहम फाइल्स होती है, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, उसकी ड्यूप्लीकेट कॉपीज कहीं ना कहीं रखी हुई होती है, तो ड्यूप्लीकेट कॉपीज तो होंगी ही। जी थी मेरे कैबिन में, लेकिन वो भी गायब हो गई, चोरी हो गई। जीटा फार्मा 30 करोड़ का गबन करने वाली कंपनी, उसके रिकॉर्ड्स एक ब्लू फाइल में थे जो चोरी हो गई, और उसके साथ साथ वो सारे ड्यूप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी चोरी हो गए जो आपकी ऑफिस में रखे हुए थे। वाओ मिस्टर भंडारी, ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, एक ही शख्स कर सकता है। एक जो नहीं चाहता कि कोई भी जीटा फार्मा तक पहुंचे, दो जिसको ये खबर हो कि नामदेव उसी दिन उसी समय ब्लू फाइल लेकर जाने वाला है, और तीन जिसको ये भी खबर हो कि उसकी ड्यूप्लीकेट कॉपीज कहां छिपाई हुई है, कहां रखी हुई है। इज दैट करेक्ट? आप सहमत हैं इस बात? जी। और इतना सारा इंफॉर्मेशन तो सिर्फ उसी के पास हो सकता है जो आप ही के बैंक का, आप ही का मुलाजिम हो, जीटा फार्मा से मिला हुआ हो, करेक्ट? ये जरा आप अपना आस्तीन ऊपर करेंगे जरा? जी ना, 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 राइट हैंड जी। वाह बड़ी स्ट्रांग कलाई है एकदम, थोड़ा और ऊपर करें। कुछ भी नहीं, मेरे हाथों में भी नहीं। योर ऑनर, ये किस तरह की क्वेश्चनिंग है? सॉरी योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर भंडारी। थैंक यू योर ऑनर। 14 नवंबर को चोरी ठीक 1:30 बजे हुई थी। मेरे पास यहां बैंक के सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज है। देखते हैं कि ठीक उसी समय नामदेव के अलावा बैंक से और कौन कौन निकला था। Your Honor, दो लोग उस समय बैंक से निकले थे, ब्रांच मैनेजर मिस्टर शिनॉय और चपरासी मिश्रा। सबसे पहले मैं औहदे में बड़े ब्रांच मैनेजर मिस्टर शिनॉय को बुलाना चाहता हूं। कैसे हैं आप मिस्टर शिनॉय? तो बताइए कि वो जो हमने देखा अभी सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में, आप उसी समय बैंक से बाहर निकले थे, तो कहाँ जा रहे थे आप? जी सर, मैं ऑफिस से तकरीबन 1:20 पर निकला था वर्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए। हाँ, लेकिन आपके वर्ली ब्रांच का तो कहना है कि उस दिन आप वहाँ गए ही नहीं। सर, हेड ऑफिस जाने की जल्दी में मैंने बैंड्रा का सिग्नल क्रॉस किया, हवलदार ने मुझे चालान किया, और फिर आगे चलकर मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। सर, मैंने मीटिंग कैंसिल की और घर चला गया, क्योंकि घर में एक फैमिली फंक्शन के लिए देरी हो रही थी। तो मतलब उस दोपहर को जो कुछ भी हुआ, आपके अपने लोग, आपका ड्राइवर, आपकी फैमिली, आपके अपने गवाह। सर, ये क्या चोट लग गई आपके? सर, क्या है, दरअसल दिवाली के वक्त मैं एक फुलझड़ी जला रहा था, तो उसमें ये जल गया सर। ओ, फुलझड़ी जला रहे थे और हाथ जल गया। जी सर। जरा पट्टी उतारिए, देखते हैं कितना जला है। I object your honor, ये मेरे क्लाइंट को हरास कर रहे हैं। सस्टेन, इसका केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, घनशू भिखारी के बयान के मुताबिक उसने चोर के हाथों में चील का टैटू देखा था, बस वही चेक करना चाहता हूं। मिस्टर शिनॉय, डू यू माइंड? नो सर। सर,
एम सो सॉरी मिस्टर शिनोय, वाकई ये बहुत बुरा घाव है। मिस्टर शिनोय, ये दीपावली के समय जो हम पटाखे जलाते हैं वो जरा सावधानी से जलाना चाहिए, है ना? एम सो सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। योर ऑनर, मिस्टर शिनोय के हाथ में वो टैटू नहीं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो टैटू उसके हाथ में होगा जो मिस्टर शिनोय से पहले निकला था, चपरासी मिश्रा। कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। यार ओके, मिस्टर मिश्रा जरा अपनी कलाई बताइए। जी ना ना ना, दाहिना, राइट, नॉट द रॉन्ग वन, द राइट वन। थैंक यू। टैटू बिल्कुल वैसा जैसा कि भिखारी कंशु ने चोर के हाथ में देखा था। ऑर्डर ऑर्डर, मिश्रा के हाथों में चील का टैटू है यानी कि चोरी इसी ने की है। चोरी तुमने की है बोलो। सर मैं गया जरूर था पर सिनोई सर के घर पे। सर सर बताइए ना इनको, सर सर बताइए ना आपको कि मैं आपके घर पे गया था। सर 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 प्लीज प्लीज बताइए ना सर इनको। सही है, सच है, मैंने ही इसे भेजा था अपने घर के फंक्शन में हाथ बटाने के लिए। फैंटास्टिक केडी, जानते हो तुमने क्या किया है? इस केस पर नई रोशनी डालकर तुमने अपने ही मुवक्किल को और भी मुश्किल में डाल दिया है। जिसे हम एक छोटी सी चोरी समझ रहे थे वो 30 करोड़ की चोरी निकली, और वो भी बैंक के किसी शख्स को लेकर। फुटेज में हमने साफ देखा कि जब नामदेव पर हमला हुआ तो मिस्टर भंडारी अपने कैबिन में सरदर्द की गोली खा रहे थे। मिस्टर राव और मिस्टर खान पैंट्री में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिल्विया रिसेप्शन पर थी, यानी कि इनमें से कोई चोर नहीं हो सकता, राइट? राइट, लेकिन मिस्टर शिनोय और चपरासी मिश्रा? मिलोर्ड में जानती थी घूम फिर कर उंगली इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉयज पर ही उठने वाली है, इसीलिए ये है उस हवलदार के चालान की कॉपी जिसे मिस्टर शिनोय की गाड़ी को बैंड्रा का सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा। चालान का टाइम और डेट नोट किया जाए। और ये है मिस्टर शिनोय के फैमिली फंक्शन की फोटोग्राफ जहां मिस्टर मिश्रा ट्रे पकड़े हुए खड़े हैं। फोटोग्राफ पर ऑटोमेटिक डेट और टाइम नोट किया जाए, यानी कि अगर मैं आप ही की थ्योरी पर जाऊं तो ये 30 करोड़ की चोरी किसी ऑफिस के मुलाजिम ने ही की है। तो बस वो एक ही बचता है जो अकेले उस ब्लू फाइल के साथ आखिरी बार दिखा, नामदेव सूर्यदेव जाधव। ये नामुमकिन है यार ऑनर, एक मामूली सा चपरासी 30 करोड़ के फ्रॉड का जिम्मेवार कैसे हो सकता है? अमीरी का ख्वाब तो कोई भी देख सकता है केडी। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक उस चोर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दो, दूसरा नामदेव पर अब लगने वाले 30 करोड़ की चोरी के केस का डिफेंस तैयार करो। दूसरे ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है मिस माया फर्नेस, क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी किसने की है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, अगले सेशन में मैं इस बात को साबित भी कर दूंगा।
इज अर्जेंट। नो मिसेस विलमोरिया, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता चोरी किसने की है। मैंने तो बस यूं ही अदालत में कह दिया था असली मुजरिम को डराने के लिए। वो मिश्रा ही है साहब, उसके हाथ पे वो चील का निशान भी है, उसी ने किया है ये सब। ये फोटो, वो टैटू कौन हो सकता है? एक मिनट, ये क्या है? हेलो हेलो केडी सर। सर मैं इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का इन्वेस्टमेंट इंचार्ज राव बोल रहा हूँ सर। सर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब किसने किया है, वो गबन और ये चोरी भी। बताओ किसने किया? सर क्या आप आधे घंटे में मुझे सिल्वर प्रेसिडेंसी बिल्डिंग के टेरेस पे मिल सकते हैं? मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा सर। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। ये तो राव है। कैसे? सुसाइड, टेरेस से कूदकर। मैं, राव ने मुझे फोन करके यहाँ मिलने बुलाया, वो सुसाइड क्यों करेगा? तो ये तो ऊपर वाला ही जाने। क्या देख रहे हो केडी? क्लियर केस है सुसाइड का। नहीं दबे। सुसाइड नहीं है, मर्डर। 100% सुसाइड है। राव आज पूरा दिन ऑफिस नहीं गया। घर से निकलते समय अपनी बीवी से माफी मांगी, उसके नाम ब्लैंक चेक लिखा, माँ बाप के पैर छुए। ऐसा आदमी तभी करता जब उसको पता होता कि वो मरने वाला है। It's a murder, दवे। Murder. अच्छा? जेब में ये sedatives। ऊपर से शराब पिया हुआ। ऐसा तो वही आदमी करेगा ना जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो, स्ट्रेस में हो। मर्डर दवे। कैसा मर्डर केडी? आओ बता दो। आ जाओ आ जाओ। ये देखो, राव के जूतों के निशान टेरेस के फर्श पर है, लेकिन इस दीवार पर नहीं। जरा सोचो दवे, जो इंसान टेरेस से कूदना चाहता हो वो दीवार पर तो खड़ा रहेगा ना, तो फिर दीवार पर राव के जूतों के निशान क्यों नहीं? इसका यही मतलब हुआ कि किसी ने उसे यहीं से नीचे ढकेल दिया। आओ देखो तो। Am I right? Or am I wrong? ऑर्डर। योर ऑनर, ये केस शुरू हुआ।
तो एक मामूली चोरी का केस था जो पहुंच गया करोड़ों के गबन तक, लेकिन अब यह मर्डर केस में तब्दील हो गया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर राव ने मुझे फोन किया, मुलाकात के लिए बुलवाया, लेकिन मुलाकात करने से पहले ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया। मिस्टर राव का मुझे फोन करना और इंफॉर्मेशन देना चाहना इस बात का सबूत है कि इस गबन में उनका हाथ था, और उनका कत्ल होना इस बात का सबूत है कि इस साजिश के पीछे कोई और है, कोई और जो इस समय अदालत में मौजूद है, कोई और जो इनमें से ही कोई है। ये कोई और कौन है ये साबित करेगा 14 नवंबर का सिक्योरिटी फुटेज। चलाने की इजाजत चाहता हूं। ओके, गो अहेड। थैंक यू। योर ऑनर, 14 नवंबर के दिन ठीक 1:15 पर वो देखिए नामदेव वहां पहुंचा सिल्विया के पास। उसने सिल्विया से ब्लू फाइल ली और 1:16 पर वहां से बाहर निकल गया। उसी समय मिस्टर शिनॉय का फोन आया। हाँ शिनॉय सर, वो फाइल मैंने नामदेव को दे दी। 2 बाद चपरासी मिश्रा वहां से निकला और उसके जाने के 2 बाद मिस्टर शिनॉय वहां से गए। मिस्टर शिनॉय के निकलते ही 1:20 पर शाम वो देखिए सिल्विया का पेंसिल गिरा। मिस सिल्विया पेंसिल उठाने को झुकी, उठी और ठीक वैसे ही काम जारी। कुछ देखा आपने? क्या 10 दिखाने से क्या फुटेज बदल जाएगा? लीजिए 11 देखिए, शायद आपको दिख जाए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मिस सिल्विया की कुर्सी पर नहीं, लेकिन उसके पीछे उस मकड़ी पर जो अपना जाल बुनना शुरू कर रही है। अब देखिए सिल्विया का पेंसिल गिरा। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात वहां कुर्सी के पीछे है। मैं जूम कर देता हूं। वो देखिए जिस समय सिल्विया का पेंसिल गिरा वो मकड़ी अपना जाल बुनना शुरू कर रही थी। प्ले। वोइला, जाल तैयार। योर ऑनर, ये इंडियन स्पाइडर की नॉर्मल स्पीसीज है जो कम से कम 1 लगाती है अपना जाल बुनने को, लेकिन यहां इस होनहार काबिल मकड़ी ने 1 में अपना जाल बुन लिया। ऑर्डर, ऑर्डर। तुम्हारा मतलब है सिक्योरिटी टेप में से किसी ने 1 का फुटेज काटा है? नो योर ऑनर, काटा नहीं बल्कि एडिट कर दिया गया है बड़ी खूबसूरती से, बिना किसी चीज को हिलाए, ताकि किसी को कोई शक ना जाए। एंड योर ऑनर, ये काम तो वही कर सकता है जिसने एक पेंसिल उठाने में पूरा 1 लगा दिया हो। मिस सिल्विया। वाह मिसेस सिल्विया, दाद देनी पड़ेगी आपकी। क्या प्लान था और व्हाट टाइमिंग? आपने वो पेंसिल गिराया इतनी नजाकत से और उसको उठाने गई उसी पल आपने अपने डेस्क के नीचे लगा हुआ सिक्योरिटी कैमरा का रिकॉर्डर पॉज किया। आप वहां से उठी, बुरखा पहना, मेल बूट्स पहने, हाथ में टैटू का स्टिकर लगाया और आप वहां से निकल गई। गली में उसका इंतजार किया क्योंकि आप जानती थी कि नामदेव वही होगा, पान की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा होगा।
जैसे ही नामदेव वहां से निकला, ब्लू फाइल और वो पैसे चुराए वापस आते, उस पेंसिल को उठाते उठाते फिर से रिकॉर्डर को प्ले कर दिया और सब कुछ वैसा ही। क्या बात है, क्या बात है मिस्टर। ऑर्डर ऑर्डर। ये लोग मेरे लिए नहीं ताली बजा रहे हैं, आपके हुनर की दाद दे रहे हैं। नाउ मिस्टर, जज साहब को अपना थैंक यू स्पीच नहीं सुनाएंगे यार? ये सब मेरा ही प्लान था। मेरे बॉयफ्रेंड रॉकी ने सीटा फार्मा नाम की एक नकली कंपनी खोली, फिर मैंने राव को उससे मिलाया और हम तीनों ने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू 30 करोड़ की चोरी करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर मेरे को लालच हुआ, पहले मैंने रॉकी को मारा। फिर उस डरपोक राव को इस कबूले जुर्म के बाद अदालत को हुक्म है कि सिल्विया फर्नांडिस को हिरासत में ले लिया जाए और इन पर एक अलग मुकदमा चलाया जाए। फिलहाल नामदेव जाधव वर्सेस इंडियन कोऑपरेटिव बैंक केस का फैसला मैं नामदेव जाधव के पक्ष में सुनाता हूं। इन्हें बाइज्जत नौकरी पर वापस ले लिया जाए 1,14,000 रुपए की कंपनसेशन के साथ। ये अदालत का हुक्म है। केस डिसमिस्ड। वेल डन। हैप्पी मिसेस बिलमोरिया। वेरी। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर अब मैं दिल ला के काम करूंगा सर। और अगर अब शराब पीकर अपनी पत्नी को मारा तो अगला मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। अरे नहीं सर। Very good, KD. Thank you, Mrs. Bilmoria. Next case. Let's go. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.